हाय गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अजय टेक्नो एडवाइस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी ऑन 6 की। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट पर इसका प्राइस है इस वक्त 15,490 रुपये और ये स्कीम में आपको मिल जाएगा 11,990 रुपये का, जो कि मैंने परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। तो दोस्तों, बॉक्स है हमारे हाथ में गैलेक्सी ऑन 6 का और यहाँ पीछे की तरफ दोस्तों यहाँ पर कुछ दी गई है हाइलाइट्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा है इन्फिनिटी डिस्प्ले, 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा और 8 मेगापिक्सल का आपको मिलता है फ्रंट कैमरा। साथ ही सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पर दिया गया है फिंगरप्रिंट सेंसर। और दोस्तों, यहाँ पर बॉक्स के ऊपर की तरफ लिखा हुआ है इंडियन सिम कार्ड ओनली, यानी कि दोस्तों आप इस मोबाइल में सिर्फ इंडियन सिम कार्ड जो है वो यूज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम ओपन कर लेते हैं बॉक्स को। तो हम देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो पहले मैं ओपन कर लेता हूं बॉक्स को। यहां पर हमारे सामने है सैमसंग का गैलेक्सी ऑन 6 मोबाइल और फिलहाल हम मोबाइल को रख देते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, बॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले यहाँ पर मिलता है कुछ पेपर वर्क, क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड हिंदी में, इंग्लिश में। तो फिलहाल मैं इसे रख देता हूँ साइड में। और दोस्तों, बॉक्स के अंदर हमें मिलता है एक ये सिम इजेक्टेड टूल सिम ट्रे को बाहर निकालने के लिए। और दोस्तों, बॉक्स के अंदर हमें मिलती है हैंड फ्री। दोस्तों, आजकल कई ब्रांडेड कंपनियां जो कि हैंड फ्री नहीं देती हैं और सैमसंग जो है अभी भी हमें हैंड फ्री जो है प्रोवाइड कराता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैंड फ्री है दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, फिलहाल मैं इसे भी रख देता हूँ साइड में। और हमें इसके अंदर मिलती है एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल। और दोस्तों, हमें इसके अंदर मिलता है चार्जिंग एडाप्टर जो कि है 5.1 एम्पेयर का। तो दोस्तों, इसे भी हम रख देते हैं साइड में। और दोस्तों, बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है तो फिलहाल हम बॉक्स को रख देते हैं साइड में। और अब हम देखते हैं मोबाइल के अंदर और ऑन करते हैं मोबाइल को और देखते हैं क्या क्या मोबाइल के अंदर फीचर्स दिए गए हैं सैमसंग की तरफ से। तो यहाँ पे फोन को मैं कर लेता हूँ बूट और जब तक फोन बूट होता है तब तक हम देख लेते हैं इसके कुछ अदर फीचर्स के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी ऑन 6 पावर्ड बाय एंड्रॉयड और इसके ऊपर जो रैपिंग है मैं इसे हटा देता हूँ तब तक। दोस्तों, राइट साइड हमें यहाँ पर मिलता है पावर ऑन ऑफ बटन। ऊपर की तरफ दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया है। और लेफ्ट साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिया गया है पावर ऑन ऑफ स्विच। और नीचे की तरफ दोस्तों हमें यहाँ पर दो सिम स्लॉट मिलते हैं जो कि एक सिम 1 के लिए है, दूसरा सिम 2 के लिए है। और साथ ही हमें यहाँ पर मिलता है एक माइक्रो एसडी कार्ड डालने के लिए सिम स्लॉट जो कि सिम 2 के साथ ही ट्रे अटैच है। और नीचे की तरफ दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर हमें मिलता है एक ऑडियो जैक, साथ में है एक चार्जिंग कनेक्टर और यहाँ पर एक माइक्रोफोन, प्राइमरी माइक्रोफोन हमें मिलता है। अभी रैपिंग है इसके साइड में भी जिसे मैं हटा देता हूं। ये मैंने इसकी रैपिंग को हटा दिया है, काफी रैपिंग है पीछे साइड में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे हाथ में सैमसंग का गैलेक्सी ऑन 6 मोबाइल और पीछे की तरफ हम देखते हैं तो दोस्तों हमें मिलता है यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, साथ में है फ्लैशलाइट और नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर। और आगे की तरफ दोस्तों हमें मिलता है यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और साथ में हमें मिलती है यहाँ पर फ्लैशलाइट और बीच में दिया गया है स्पीकर। दोस्तों, इसकी जो स्क्रीन है वो 5.6 इंच की HD+ स्क्रीन है।
18.9 एस्पेक्ट रेशो के साथ, जो कि सुपर एमोलेड स्क्रीन है। फोन को हमने कर लिया है स्टार्ट। तो दोस्तों जब तक हम इसमें कुछ फेस अनलॉक और पैटर्न लॉक कर लेते हैं सेट, तो हम चेक कर लेते हैं एक बार इसके फिंगरप्रिंट लॉक को। ये है अभी लॉक, और ये पीछे से किया टच, और ये हो गया अनलॉक। दोबारा से इसे किया लॉक, पीछे की तरफ इसे किया टच, और ये हो गया अनलॉक। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसके फेस स्कैनर को। तो ये मैंने किया इसे लॉक अनलॉक, और जैसे ही मैं इसे ऊपर की तरफ लाया तो ये हो गया अनलॉक। एक बार दोबारा इसे हम चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं अपने फेस की तरफ इसे लाया, ये हो गया अनलॉक। दोस्तों मैं इसके जो फेस स्कैनर है उसकी ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, क्योंकि वो कुछ मिली सेकेंड लेट होता है, बट जो उसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफ़ी अच्छा है और वो काफ़ी क्विक है। 11,990 की रेंज में सैमसंग गैलेक्सी ऑन 6 बहुत ही अच्छा सेट लगा मुझे। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके रैम की, तो ये है 4GB रैम और 64GB रोम, यानी 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। साथ ही दोस्तों आप इसमें यहाँ पर एक माइक्रो USB कार्ड भी लगा सकते हैं, माइक्रो SD कार्ड 256GB तक का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं अलग से। दोस्तों बताइए आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की और वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।